वो उन बच्चियों के बाप हैं, और उनसे भी बढ़िया मैं बता दूं, उनसे भी बढ़िया वो लोग हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, जो मस्जिद में चंदा देते हैं और अच्छी तरीके से अपने इमाम का ख्याल करते हैं। जाहिर सी बात है, आप अच्छे तरीके से ख्याल ना रखते होते तो मैं चला जाता। ये आप ही की तो मोहब्बत है कि ये प्रोग्राम कितने करवाया आपने, ये पंडाल कितने लगवाया आपने, इन मौलानाओं को दावत कितने दी आपने। अगर आप मेरा साथ ना देते तो क्या मैं मौलाना तौहीद साहब को बुला लेता, क्या मैं अकलम हंदोरी साहब को बुला लेता, क्या फैज भाई को बुला लेता, क्या मैं उस्ताद मोहतरम शेख उल अदब मंजर इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को बुला लेता? हरगिज नहीं। यह आपके पैसों की बरकत का मामला है कि आपके पैसों में अल्लाह ने बरकतें दी, अल्लाह ने आपकी जेबों के पैसों को कबूल फरमाया, उस कबूल फरमाने की वजह से आपने ये प्रोग्राम बना के किया है। ये मेरी वजह नहीं है, अल्लाह का फजल है आपके ऊपर, या अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर, सरकार की इनायत है हम अपने तमाम लोगों के ऊपर कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को मुनाकिद किया है। हम लोगों की ख्वाहिश क्या है, इन शेरों के जरिए समाप्त फरमाएं। मुझे खादिम शरीयत का बना दो या रसूल अल्लाह, मुझे खादिम शरीयत का बना दो या रसूल अल्लाह। ये मेरे दिल की दुआ है और दुआ जो है अल्लाह की बारगाह में मांगते रहना चाहिए। इसी में दे देगी करा दो या रसूल अल्लाह, इसी में दे देगी पूरी करा दो या रसूल अल्लाह। मुझे खादिम शरीयत का बना दो या शेर के सदस्य में मुझे भी हज बैतुल्लाह की ज्यादा